देख ये कैसा है। कराने के लिए मत आना बेटा। ये जस्ट अवॉइड देम। अब सांस नहीं हो। अरे बेटा फिर से आ गई। उफ बाबा मम्मी कितना बाहर भीड़ है बासों में। पूरा टायर्ड हो गई। साड़ी पूरा ऐसे ही खराब हो गया। पूरा मतलब इधर उधर हो गया। सर मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ। अपने खाना टाना खाया? मैं अभी थोड़ा बैठ के सोच रही थी क्या करूंगी। तो तुम्हारा खाना लगाओ, फिर हम लोग एक साथ खाना खाते खाते बातें करेंगे। तुम्हारे लिए मैं आज क्या बनाया? मैंने तुम्हारा जो फेवरेट चिकन कौशा पुलाव ये सब बनाया है, स्वीट पुलाव घी देकर। हाँ पिंकी जी। हाँ मैं बोल रही हूँ, सोनी के मम्मी। और बताइए कैसा चल रहा है दीदी। हाँ मैंने एक बातों के लिए फ़ोन किया। तबीयत कैसा है सब लोगों का? और दादा कैसा है आपका लड़का? दो बेटी? हाँ आपका बेटी तो इधर बहुत ही खुश है, आप उससे ही बात कर लीजिए। हमारा घर में ना एक पूजा है। हाँ, आपका पूरा फैमिली और दादा को लेकर 24th मेरे में घर में आना। लंच डिनर सब करके जाएंगे। ये तो आपका ये एक दूसरा घर है, आपका लड़की का ससुराल मत समझिए। हम दोनों बहन हैं, आप और मैं। हाँ तो बहन के घर तो बहन आ ही सकती है ना। फॉर्मेलिटी के खातिर मैं आपको थोड़ा सा इनवाइट कर रही हूँ, आप कभी भी आपका लड़की के घर आ सकते हो। ये अभी मेरा घर नहीं है, ये आपका लड़की का घर है। और एक हफ्ता रुकना है इधर। आपका लड़की तो बहुत दिन मतलब आपके घर से आने के बाद बहुत रो रही थी। मतलब आप लोग को याद करती है ना, मम्मी पापा को छोड़ के कितना कष्ट होता। बोलिए मैं जब मेरा ससुराल गई थी ना, मतलब मैं तो बीच बीच में ही ना झगड़ा करके चले जाती थी मेरा घर। मतलब इतना रोना आता था। छोटी है आपके क्या पता ना, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी सब। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं उसको फ़ोन देती हूँ। ये लो बेटा मम्मी से बात करो। दो फोन दो। हाँ मम्मी। हाँ पूजा है 24th में। हाँ आप आ रहे हो ना आप लोग सब लोग? हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ माँ। यहाँ पर फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है माँ, कि जैसे मेरा और भी एक माँ मिल गया मुझे। माँ के जैसा नहीं है, माँ ही है मेरा। रिलेशनशिप में मदर इन लॉ है, बट आपसे ज़्यादा अच्छा है माँ। ठीक है माँ, आ जाओ फिर। बाय बाय माँ। मम्मी जी मैं थोड़ा पुलाव बनाया। हाँ थोड़ा सा टेस्ट कीजिए। ओह बहुत अच्छा खुशबू है। तुम खाया बेटा? साथ में तुम्हारा खाना भी लेके आओ, एक साथ खाएंगे। बैठो इधर, बैठो मेरे पास बैठो। हेलो भाभी कैसे हो? बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ। और मम्मी बताओ कैसा चल रहा है? और मुझे बताओ कैसा लग रही हूँ मैं? सुंदर? हाँ मैं तो काफी सुंदर हूँ। इसलिए तो फायदा उठाती हूँ। याद है कॉलेज लाइफ से? और कितना लड़का दीवाने थे मेरे पीछे, मैं एक को भी शादी नहीं किया। लीव देम, जस्ट अवॉइड देम। एक अच्छा लड़का ऐसे करोड़पति मुझे कहाँ पर मिलता? और भाभी आपका हाथों का स्पेशल आज क्या है? ओ अरे लाओ लाओ मेरे लिए, देखती हूँ कैसे बनाया आपने। अभी तो बहुत दिन ससुराल में हो गया ना, घर से अपने क्या सीख के आया है। चलो देखते हैं। तो ये पुलाव थोड़ा सा टेस्ट कीजिए। हाँ मैंने बनाई है। ठीक है दे दो दे दो। पुलाव बनाया? देखती हूँ खाकर कैसा हुआ है। मम्मी आपको बहू बनाई? ठीक है। कितना ज्यादा नमक दिया है तुमने भाभी? बाहर क्या कर रही थी? कितना ज्यादा नमक दिया है, मेरा मुंह जल गया। मैं ऐसे नहीं खा सकती। लेके जाइए सब। सॉल्ट ज्यादा हो गया दीदी। सॉरी दीदी, एक्चुअली मैंने सोचा था ये मम्मी ने कही अच्छा है इसलिए आपको दिया। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे पर बना के लेके आती हूँ कुछ। आप पकौड़ा खाएंगे? दीदी आपके लिए सारी। हाँ ये सब क्या है? सारी है मेरे लिए।
बाबा ये साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, ये सब कलर बाबा ये सब गांव का लड़की पहनती है, आपको देख के क्या लगता है मैं क्या गांव का हूँ? सब मैं पहनूंगी, छोड़ो ये सब मैं पहनती नहीं हूँ, लेके जाओ। अब उसका ना ज्यादा प्यार देके देके ना सर पे चढ़ा के रखता है, कुछ भी आता नहीं है। ठीक है दीदी, मैं ये साड़ी वापस कर दूंगी, कौन सा कलर पसंद है, कैसे टाइप का पसंद है, मैं वो ही लेके आऊंगी आपके लिए। एक बात तुझको कहना चाहती हूँ, देख मैं तुझको छोटे से बड़ा किया है, तुझको शादी दिया है, कैपेबल बनाया है, अभी तू इस घर में आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे सोच रहा है भाभी जो है, तेरा भाभी तेरा मतलब नखरेबाजी उठाएगी, तो जो भी बोलेगी चाकरानी के जैसे वही करेगी, ऐसा नहीं होता है। वो नौकरी करती है, वो एडुकेटेड है, ससुराल में तू सब लोगों का ध्यान रख, अभी ये घर तेरा नहीं रहा, अभी ये भाभी का घर है, वो भी अभी नहीं सुन रहा है, वो बाहर गई है, इसलिए उसके सामने थोड़ी ना बोल पाऊंगी, वो मेरा बेटी के समान है और ये तुझको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तू जैसे दूसरे के घर में गई है, उसका बेटी बन गई है, वो भी मेरा बेटी बन गई है, और इन फ्यूचर वो ही मुझे देखेगी, तू नहीं देखेगी। सोचना बेटा, अगर बिहेवियर तुझको अगर तू तेरा ससुराल वाले से मिले, तेरा ननद से मिले, तो तुझको कैसा लगेगा? वो अभी तेरा प्लेस वो ले रही है, जैसे तू उस घर में जाके तेरा ननद का प्लेस ले लिया है, वैसा ही यही होता है, यही नॉर्मल है। तेरा जो भाई है वो ज़्यादा जामात से ज़्यादा लड़का बनेगा, क्योंकि यही तो होगा, ये होगा ही तो संसार अच्छा रहेगा ना, तो समझ बेटा। झगड़ा लगाने के लिए तुम आ रहे हो तो मत आओ बेटा इधर, देख ये कैसा है। हाँ किसी चमचो से ये तू मुझे पहन के दिखा, और इधर पीछे ना टैसेल है, ये बांध लेना, ठीक है? हाँ ले। मम्मी पहनी हो, देखिए मेरे ऊपर जांच रहा है क्या? एक मिनट मिरर लेके आती हूँ। हाँ अच्छा लग रहा है ना, ये आपका आशीर्वाद है, हर वक्त इसको अच्छी तरीके से प्यार से ये लड़ख दूंगी, आपका जो पोता पोती होगा उसको मैं दूंगी ये। बेटा सुनो इधर देखो, तुम दोनों ये वीकेंड सैटरडे संडे में थोड़ा बाहर घूम के आओ, तुम्हारा कोई प्लान नहीं है ना पहले से? लिए टिकट खरीदा है सिनेमा का टिकट, ऋतिक रोशन का, बहुत ही अच्छा रोमांटिक, ये लो। अरे रखो रखो। ओ ये टिकट है मम्मी? देखो हम लोग जब यंग थे ना, तुम लोग जैसा जब नया नया शादी हुआ है, तब हम लोग को जमाने में ना ये सब इतना मतलब सब लोग के सामने नहीं जा पाते थे, तुम्हारा जो ससुर मुझे लेकर मैटिनी शो में जाते थे, बहुत हम लोग मजे करते थे, बादाम होता था ना उस टाइम पे, बादाम खाते थे, फिर उधर जाके जो बिरयानी है अमीनिया का बिरयानी, उधर बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, अमीनिया का बिरयानी, मटन बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, तो तुम्हारा ससुर मुझे खिलाते थे, घर में किसी को पता नहीं था, अभी तो ज़माना बदल गया है ना, करके घूमो खाओ एंजॉय करो, इससे ज़्यादा खुशी का बात मुझे और क्या हो सकता है, फिर मुझे आके बताना हाँ क्लाइमेक्स में क्या हुआ। चलो ना आप भी चलो ना मेरे हमारे साथ मम्मी, का लड़का बहुत खरुश है, मैं अकेला उसके साथ जाना नहीं चाहती हूँ, अभी चलो ना एक साथ मजा करेंगे, तीनों एक साथ घूमेंगे खाएंगे, चलिए ना प्लीज। नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती, मेरा घुटनों में ना बहुत दर्द है, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। मम्मी अब जैसा माँ मुझे कभी मिलता नहीं था, अब मेरा सास नहीं है मम्मी, अब मैं मम्मी हूँ।